नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक एम इन्फोटेक में। आज हम आपको बताएंगे कि अपने कंप्यूटर में हम 3D एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फिल्म का, हमारी छोटा मोटा कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाएं, कोई भी वीडियो बनाएं तो उसका नाम लिखते हैं तो वो 3D में कैसे क्रिएट करें, उसका एनिमेशन कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए आप कोई भी एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जिसका नाम है अरोरा 3D एनिमेशन मेकर। जी हाँ, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं ये। मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम दोबारा से, ये देख लीजिए, अरोरा 3D एनिमेशन मेकर। अरोरा 3D एनिमेशन मेकर इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये यानी कि बेस्ट और सिंपल और इजी सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने होम पर, अपने घर पर आपका खुद का कोई भी 3D एनिमेशन आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपके कंप्यूटर में ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉलिंग होना चाहिए, साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क और डायरेक्ट X9 जैसे कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको अरोरा 3D एनिमेशन ये ओपन करना है। ये मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये लोडिंग हो रहा है, ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया है अरोरा 3D एनिमेशन मेकर। जी हाँ, अब आपको करना क्या है ये देख लीजिए, खुलेगा, थोड़ा और बाकी है खुलना, ये खुल गया। आप चाहते हैं कि आप इसमें 3D एनिमेशन क्रिएट करें तो देख लीजिए, एक तो ये सॉफ्टवेयर यानी कि इसमें पहले से ही कई ये वीडियोस, ये एनिमेशन के जो प्रोजेक्ट हैं पहले से ही इंस्टॉलिंग होए हुए आते हैं, इसमें इंसर्ट किए हुए आते हैं। आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें ये पहले वाला चूज करता हूँ, इस पर डबल क्लिक किया। आप चाहें तो अपना नया भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आप इससे भी यूज में ले सकते हैं। तो इसको प्ले कर देख लीजिए आप, 12 सेकेंड का ये प्रोजेक्ट है, ये एनिमेशन है, तो प्ले करके देख लीजिए आप किस तरह से चलता है। तो मैंने ये देख लीजिए, नीचे से यहाँ से प्ले होगा और ये प्ले कर दिया है। ये देख लीजिए, ये चलते चलते अरोरा 3D एनिमेशन, ये देख लीजिए, ये नाम ऐसे आएगा और इस तरह से। आप चाहते हैं कि आपका भी नाम या आपकी फिल्म का नाम, छोटी मोटी आपके वीडियो का नाम, आपके जिस भी छोटी मोटी कंपनी, कैसे भी आपकी छोटी बड़ी, उसका नाम भी इसकी जगह आए, तो अगर आप इससे ही करना चाहते हैं तो देख लीजिए, इस पर डबल क्लिक करिए। ये डबल क्लिक किया मैंने, जैसे मेरी कंपनी का नाम लिख दूँ मैं, जैसे AKME, ये इसको काट दूंगा, AKME, मेरे चैनल का नाम लिखूंगा इन्फोटेक, AKME इन्फोटेक। तो ये देख लीजिए, मैंने मेरे चैनल का नाम लिख दिया है और ये देख लीजिए। अब आप इसको दोबारा प्ले करके देखेंगे जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपका नाम लगा नहीं। ये देख लीजिए, AKME इन्फो ये टैग, ये मेरा नाम आ गया। अब आपको समस्या क्या आ रही है मेरे को कि ये देख लीजिए, मेरा नाम थोड़ा ये बड़ा हो गया, यानी कि ये देखो पीछे से कुछ ऑब्जेक्ट है जो छिप जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना है मुझे, इसकी साइज कम करनी है। तो ये देख लीजिए, यहाँ से चेंज टेक्स्ट साइज, इससे मैं इसकी साइज छोटी कर दूंगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि इसमें कैसे की इफेक्ट जोड़ते हैं, कि ये की फ्रेम एनिमेशन कैसे जोड़ते हैं इसमें, इसमें रेक्टेंगल वगैरह जिसमें भी ये शेप हैं ये कैसे इंसर्ट करते हैं, इसमें मेटल कैसे इंसर्ट करते हैं, इसमें कोई भी रंग, किसी प्रकार का टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। मैं तो फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि होम, आपके अपने घर पर किसी भी, आप छोटा मोटा कैसे भी एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपको बेसिक और बेसिक और नॉर्मल, यानी कि बेसिक और अच्छा सॉफ्टवेयर आपके लिए कौन सा है, वो है अरोरा 3D एनिमेशन मेकर। जी हाँ, इससे आप घर बैठे आपका छोटा मोटा जैसे भी अच्छे से अच्छा एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो और आपके पास ये सॉफ्टवेयर हो, आप डाउनलोड कर सकते हैं अरोरा 3D एनिमेशन इंटरनेट से। और इसकी वेबसाइट है presentation3d.com।
और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये एक बार दोबारा देख लीजिए। इस प्रकार से आपकी भी कंपनी का नाम या आपका खुद का नाम इससे घूम सकता है। और इसमें और भी कई ये प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, और भी कई एनिमेशन इसमें इस सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं, जिसे आप न्यू पर जाएंगे तो देख लीजिए। ये है ये है ये है, मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे फोक्स स्टोरी, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशन मैं प्ले करूँगा, आप देखना कैसा है। ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से आता है, यानी कि आप इस प्रकार से भी अपना नाम लगा सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो आप अरोरा 3D एनिमेशन डाउनलोड करिए और हमारे दूसरे वीडियो देखिए, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अरोरा 3D एनिमेशन में आप क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मेटल। ये देख लीजिए, इतनी मेटल है, ये टेक्स्ट की मतलब की टाइप है इसमें, और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपके लिए लाभदायक होगा। और इसके लिए आप हमें बताइए कि अब आपका हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अरोरा 3D एनिमेशन आप डाउनलोड करेंगे मुझे आशा है, और साथ ही साथ हमारे दूसरे वीडियो भी आप देखेंगे, जिसमें हमने बताया कि अरोरा 3D एनिमेशन कैसे काम करता है, इसके लिए क्या क्या कैसे कैसे इसमें की फ्रेम एनिमेशन जोड़ते हैं, कैसे कैसे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं इसमें। और अगर आपको ये हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारी बात आपको पसंद आए, तो हमारे यूट्यूब पर जो चैनल है KMN फुटेज, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए से नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।